बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आज मौजूद हूँ सफारी पार्क में, और ये कराची का जो है सबसे बड़ा और सबसे पुराना सफारी पार्क है। तो मैं यहाँ पर आया हुआ था और कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ पर एक्सप्लोर भी किया और कुछ चीज़ें नोट की, क्योंकि जगह जगह पर थोड़ी सी लोगों ने जो है वो गंदगी की हुई है। लोग खाते हैं और यहीं फेंक कर चले जाते हैं, तो खुदा रहा ऐसे नहीं करें। यहाँ पर जगह जगह पर डस्टबिन्स दी गई हैं, तो मैं अपने शहरियों से कहूँगा कि भाई साफ़ रखें, आपके लिए बनाया है पार्क। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे डस्टबिन भी बनी है, तो ये देखें, यहाँ पे ये डस्टबिन भी बनी हुई है। और सफारी पार्क में बचपन में आया करता था, और आज काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ फैमिली के साथ। तो भाई थोड़ा सा इसका केयर करें सफारी पार्क की। मैं अपनी गवर्नमेंट से भी कहूँगा, जो मेरी प्रोविंस की गवर्नमेंट है, मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ ये हमारी बचपन की यादें हैं यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा अच्छा कर दें, क्योंकि अलादीन तो अब बंद हो चुका है, अब रह गया सिंधबाद और ये सफारी पार्क। ये बहुत फेमस है और बहुत पुराने, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ अच्छा हो जाएगा यहाँ पर, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो अच्छा कर देगी सफारी पार्क को, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। अब और क्या मैं कह सकता हूँ, बस ये है कि मैं आज यहाँ पर आया और आप लोगों को थोड़ा सा इसका व्यू करवाया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। और बस एक बार फिर कहूँगा, देखें ये सफारी पार्क बहुत पुराना है कराची सिटी में, तो इसकी देखभाल करना हम सबका फ़र्ज़ है। तो यहाँ पर आएँ, खाएँ पिएँ, और अपने जो भी आपका गारबेज है वो साथ लेकर जाएँ, या कहीं डस्टबिन में डालें, खुदा रहा यहाँ पर नहीं फेंकें। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर जो झील बनाई गई है उसमें भी जो है लोगों ने बॉटल्स फेंकी हुई हैं, चिप्स खा के फेंके हुए हैं। तो प्लीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी, और इस वीडियो के साथ मैं यहाँ पे इख्तिताम करता हूँ। आप सबको अस्सलाम वालेकुम।